मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है और जितनी थकावट हुई है उसका इजाला नहीं हो सकता, लेकिन जब ये वाटरफॉल देखा है तब मुझे लगा पैसा सब वसूल हो चुका है। कितना टाइम लगेगा यहाँ से वाटरफॉल तक? ठीक हो रहा है, टाइम को पूछना ही नहीं चाहिए। खैर सांसें आपको बता रही होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी खरकू वैली में और ये खपलू से, खपलू जो मेन सिटी से वहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर है और इसकी जो बुलंदी है ना 8190 फीट सत समंदर से ये ऊपर है। तो अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ जी खरकू वैली में, एक वाटरफॉल है खूबसूरत सा और मेरे सारे जो दोस्त है गुहार भी है, इसमें जाहिद करीम है, बाकी एक दो दोस्त भी है, वो सारे आगे से जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत होने वाली ये वीडियो, तो लास्ट तक हमारे साथ रहें। मेरे साथ है ये सिकंदर भाई और आगे से डॉक्टर साहब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं? हम इस वक्त खरकू वैली में मौजूद हैं और खरकू वैली में एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है अनडिस्कवर्ड, जो कि हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं, उसी के लिए जा रहे हैं। तो चलें चलें। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी गाइस आप मेरी हालत चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बाकी सारे जो दोस्त सबसे पीछे हैं और मैं पहुँचा हूँ सबसे आगे। इंशाल्लाह वहाँ से आपको वाटरफॉल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कितना टाइम लगेगा? और टाइम क्या भाई, टाइम को पूछना ही नहीं चाहिए। खैर सांसें आपको बता रही होगी क्या हो गया हाल। खैर मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली हम इधर आपको इसलिए लेके आए हैं ताकि यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाते हुए जाएं, अदरवाइज वहीं से डायरेक्टली जाएं। अच्छा। तो बाइक भी वहीं पे पहुँच सकती है, तो अभी तो यहाँ पे आधा घंटा तो लगेगा एटलीस्ट। बिल्कुल टॉप है। हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसा फील हो रहे? फीलिंग बहुत अच्छी है, पर जितनी थकावट हुई है ये चढ़ाई क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा थका हूँ। बस अब आगे देखते हैं, वाटरफॉल तक पहुँचते पहुँचते हालत कितनी बिगड़ती है। चलें लेट्स गो। हमारे इस ट्रिप में ना ये मुइज बल्ती, अगर आपने गोहर बल्ती का पेज देखा हो तो ये छोटा सा लिटिल गाइड को ज़रूर देखा होगा। तकरीबन हम 20 मिनट ना ट्रैकिंग करने के बाद पहुंच चुके हैं एक रास्ते पे, यहाँ से आगे जाके ना इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे वाटरफॉल पे। तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी गाइस यार ये व्यू चेक करें ना, कसम से कमाल का है, मस्त आ रहे। ये रहा हमारा गोहर बल्टी, ये रहा हमारा डॉक्टर साहब कजाई साहब, ये जी इम्तियाज जी, ये सिकंदर कमर, असली गाइड तो ये है हमारा। चलो यहाँ से मैं आपको इंशाल्लाह खरकू वैली का एरिया रिव्यू दिखाता हूँ। ये चक्कर है, आगे बलगार से डबोनी से लेकर ये खरकू सारा नज़र आ रहा है। ये दरिया के दूसरी तरफ जो है ना बरा वैली है और ये खरकू वैली, आगे जो है ना वो खपलू है, खपलू मेन सिटी।
ये खूबसूरत है बिल्कुल। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पर और हमारी हालत आप देख सकते हैं मुईज भाई, वो आप चेक करें वाटरफॉल। हुई इंशाल्लाह अभी हम आगे जाके और करीब से आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम वाटरफॉल पर। यह खूबसूरत वाटरफॉल आप देख सकते हैं और मेरे साथ मुईज भाई। क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? हमारे व्यूअर्स को ये पता नहीं कि हमारे गांव में ऐसी है एक वाटरफॉल भी, एक वाटरफॉल भी बहुत ही प्यारा आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादातर जैसे पंजाबी यहाँ पर घूमने के जाते हैं चार को रहने के लिए, इस आगे आगे ऊपर भी ज़्यादा इशारे हैं। अच्छा मगर ये ज़मीन है ना तो लेने लो, हमने खुद बनाया, खुद बनाया इतना मेहनत किया हमने। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी क्या कंडीशन है? मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है और जितनी थकावट हुई है उसका इजाला नहीं हो सकता, लेकिन जब ये वाटरफॉल देखा है तब मुझे लगा पैसा सब वसूल हो चुका है। अच्छा हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं खूबसूरत अच्छा वाटरफॉल। आई होप कि आपको पूरी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह मिलते हैं गिरगिट बस्तर की इस तरह के और खूबसूरत जगह साथ। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।